नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कानपुर देहात से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर डेरापुर क्षेत्र से खबर है कि गांव बिरिया का मामला है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का यह आरोप है, उसे करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की उसके साथ, और उसके बाद दबंगों के आतंक से पीड़िता परेशान है। पीड़ित के परिजन अभी तक दहशत में हैं, और हालांकि पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी दबंगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने भी न्याय का पूरा आश्वासन दिया है। कौन लोग? बगल की। क्या, किस वजह से? पानी लगेंगे तो काम सुन लेना है। इधर से ना दम तक तो निकाल के मर गए, निकाल लीजिए भी काम नहीं। लड़का के लगा दिया है तो लड़का ने फोन किया था, लड़का है जिनने का होते हैं तो उसके बजे से काम पूछा ना है, पूछ के हमारे तब उनके चारों बहुआ माधारी लड़का आदमी। और गोरखपुर में माफियाओं पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जिसकी गद में एक मैरिज हॉल आ गया है, जो कि अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, और अब उसके मालिक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह मैरिज हॉल चलाया जा रहा था, और माफिया अजीत शाह ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके मैरिज हाउस बनाया, जिस पर SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई और नगर टीम ने मिलकर, नगर निगम की जो टीम है मौके पर पहुंची, कार्रवाई की गई और उस मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया गया है। बाउंड्री वॉल तोड़कर पूरी जमीन को अपने कब्जे में लिया, और इस बीच आरोप ये भी सामने आया है कि 3 मई को ही माफिया ने प्रशासन को भी धमकी दी थी। PWD गोलीकांड में भी माफिया अजीत शाही का नाम सुर्खियों में रह चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि हाल ही में आरोपी अजीत शाही और उसके दबंगों पर बैंक के सहायक सचिव ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर धमकी समेत अन्य धाराओं में भी शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया। ये 77 मंजुमला नंबर है जो खेवट में नगर महापालिका के नाम से दर्ज है, उसी पर 2 लोगों का अवैध अतिक्रमण पाया गया था, मिथिलेश सिंह और चुवानाथ सिंह का, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगभग ये लगभग आज यहाँ गोरखपुर के बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच बेतिया आता में करीबन 25 डिसमिल जमीन जो नगर निगम की जमीन थी, जिसको यहाँ पे माफिया अजीत शाही की पत्नी मिथिलेश सिंह उन्होंने कब्जा कर रखा था, उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को आज नगर निगम ने अब वापस अपने कब्जे में लिया है, मुक्त करवाया है माफिया के चंगुल से। यह करीबन 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने कई वर्षों से इस पर कब्जा कर रखा था। इनकी तमाम अन्य प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, और उसके साथ उन पर भी आगे की विधि कार्रवाई। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी पंचायत चुनाव को लेकर TMC सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने TMC पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है, और ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए केंद्रीय बल और कोर्ट के द्वारा निगरानी करना बहुत जरूरी है। TMC ने राज्य चुनाव आयोग को अपना सीमावर्ती संगठन बना दिया है। बंगाल की हालत जंगल राज से भी खराब है। 1 लाख से ज्यादा BJP कार्यकर्ता वोटर, खासकर ये हिंदू लोग को एक घर से निकाल दिया था। 56 आदमी का मौत हुआ था, उसमें BJP का 2021 का असेंबली का प्रत्याशी मानव साहा भी उसका अंदर था। किस तरीके से वायलेंस हुआ आपने देखा, और इस कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही 5 जांच का जो खंडपीठ बना था उनका डायरेक्शन, NHRC का रिपोर्ट, बंगाल में कानून बोल के कुछ नहीं है, यहाँ जो रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जो रूलर है उसका लॉ ही चलता है। ये मेरा बात नहीं है, ये NHRC का बात है। बंगाल में पिछले 2.5 साल में, पिछले 2 साल से भी ज्यादा 100 से ज्यादा CBI FIR हुआ, 10 से ज्यादा NIA FIR हुआ। बंगाल का पुलिस किस तरीके से पार्टीजान सिस्टम में काम कर रहा है ये तो ऑलरेडी साबित हो गया। इसलिए गांव पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए सेंट्रल फोर्स और कोर्ट का मॉनिटरिंग ये वेरी एसेंशियल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को TMC ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसलिए वहां से कुछ रिलीफ बंगाल की डेमोक्रेसी में मिलने वाला नहीं है। हम लोग पौरसभा कॉरपोरेशन का, नगर निगम का चुनाव देखा, किस तरीके से हमारी जाने माने सिंगर विजयन मुखर्जी लेट हुआ।
बुलंदशहर में गैस प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, जहां उन्होंने कृषि वेस्ट से संचालित होने वाले जनपद के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोगरा गांव में 3 टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा और शिलान्यास के करीब 6 महीने बाद ही प्लांट शुरू हो सकेगा, जिससे CNG गैस का उत्पादन होगा। प्लांट में गैस बनाने के लिए वेस्ट फल और सब्जियों के साथ साथ कृषि वेस्टेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुरादाबाद में RNUS की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके चलते मुरादाबाद में आपूर्ति निरीक्षक शिखा पांडे के द्वारा विभागीय कार्रवाई जारी है। दरअसल हाल ही में बिलारी में एक मकान के अंदर सरकारी राशन के कट्टे पलटी किए जा रहे थे। उपजिलाधिकारी बिलारी के द्वारा खबर देखते ही हरकत में प्रशासन आया है और विभागीय अधिकारियों का आदेश जांच कर रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का जारी हो चुका है। आपको बताते चलें कि ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन ये काला कारोबार चला रहा है और कितने बड़े लेवल पर काला कारोबाजारी चल रही है, इसके बारे में अब छानबीन जारी है और प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, RNUS पर ये खबर चलाई गई थी कुछ दिन पहले भी और आज एक बार फिर से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुरादाबाद में बिलारी में एक मकान था जिसके ऊपर इस तरीके से सरकारी राशन के कट्टे वहां पर बरामद हुए हैं, जिनसे राशन को पलटा जा रहा था और उसके बाद जब पूछा गया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से अब प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुका है और इसी के साथ साथ इस पूरी वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले के साथ की जा रही थी। अब कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है प्रशासन को खंगालने हैं कि आखिर ये कितने लोग हैं, किसका गिरोह है और किसके आदेश पर सरकारी राशन की कालाबाजारी वहां पर की जा रही थी। दानवीर इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। दानवीर, क्या कुछ कार्रवाई अब तक सामने आ चुकी है? दानवीर बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मामला बिलारी का है। जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर राशन का वीडियो वायरल हुआ था, उसको देखते हुए तमाम अधिकारियों ने संज्ञान लिया। RNUS ने खबर को विस्तार से दिखाया था और इसके अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई तेजी से की गई, उप जिला अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया और खाद्य विभाग के जो सप्लाई इंस्पेक्टर है उन्हें खुद जांच करने गई थी मैडम, और मैडम ने जांच कर आगे के लिए कार्रवाई की बात की है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, तमाम वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन जिस वीडियो पर RNUS ने खबर को विस्तार से दिखाया उसको देखते हुए कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन जिस तरीके अधिकारियों ने तत्काल में संज्ञान लिया और उस जिस मकान में राशन की वीडियो वायरल हुआ था, उस मकान मालिक एवं और जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं जो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात। दानवीर, क्या किसी को अब तक हिरासत में लिया गया है? कुछ पूछताछ पुलिस की तरफ से शुरू की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्रवाई की बात की गई तो अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, लेकिन जिस कार्रवाई आगे को चल रही है और जो उप जिला अधिकारी की तरफ से बात की गई है कि उप जिला अधिकारी ने अभी कुछ समय मीडिया के सामने कुछ मांगा, समय मांगा है, क्योंकि जिस तरीके से जांच की जा रही है और जिस जांच में सच पाया जाएगा, जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिस मकान में कच्चे पलटी हो रहे हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ तो जो वीडियो में ये लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनमें से किसी की भी शिनाख्त हो पाई है? पता चल पाया कि आखिर ये कौन लोग हैं या इनमें से कोई भी पुलिस की गिरफ्त में आया है अभी तक? देखिए अभी इसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से जो उप जिला अधिकारी जो SDO है उनकी तरफ से कार्रवाई जांच कराई गई है, जांच में जो भी सत्ता पाई जाएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस आधार पर मकान मालिक एवं जो मकान मालिक का जो नौकर है, जो दुकान पर काम करता है, उसका नौकर वीडियो में दिखाई दे रहा है, उस पर 2 लोगों की पहचान हुई है, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जैसे ही पूछताछ की जा रही है, जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ती है और जैसे ही ये लोग संदिग्ध पाए जाते हैं, जो सत्ता पाई जाती है, उनके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कानून कार्रवाई कर पुलिस केस होगा और कहीं ना कहीं उन्हें जेल भेजने का काम भी किया जा सकता है जी। तो दानवीर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो रही है और किस तरीके से वो आगे इस कार्रवाई को अंजाम देंगे? क्या कोई टीम गठित की गई है या घेराबंदी की गई है इस जगह की, इस मकान की खासतौर पर, जहाँ पर ये पलटी किए जा रहे थे राशन के कट्टे? देखिए बात तहसील बिलारी की जाए, तहसील बिलारी में जो आपूर्ति निरीक्षक है शिखा पांडे जी है,
या पैडे की तरफ से खुद जाकर मकान पर जांच की गई थी। और जांच में अभी मेरी बात हुई थी लगभग 10 मिनट पहले मेरी बात हुई थी इस मामले को लेकर, तो उन्होंने कह दिया है, उन्हें जिस तरीके की कार्रवाई कर दी है, नोटिस दे दिया गया है और जो भी सत्यता है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उप जिला अधिकारी को जांच उन्होंने सौंप दी और जांच कर जो तत्व उनके हाथ लगे हैं वो आगे के लिए उप जिला अधिकारी के पास पहुंचा दी गई है। लेकिन उप जिला अधिकारी तरफ से कितने समय में क्या कार्रवाई की जाए तो दानवीर, जो राशन की दुकानें हैं, जो बिलारी में राशन की दुकानें हैं, क्या उन दुकानदारों से भी पूछताछ की गई है अभी तक? लगातार पूछताछ की जा रही है कि राशन जो कहां से आया क्या है, लेकिन मेरी मेरी पूछताछ के अनुसार और अधिकारियों के संज्ञान में अभी जो लिया है, लेकिन जिस तरीके से आंगनबाड़ी का राशन जो होता है, जो मिड डे का जो राशन मिलता है, स्कूल का जाता है, वो कहीं ना कहीं राशन बताया जा रहा है, क्योंकि जो राशन जो है वो स्कूल का है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कौन से स्कूल का है, कहाँ मिड डे को कहाँ जा रहा था और कहाँ से आता था। लेकिन जिस तरीके से चावल का मामला पूरा सामने में आया है, क्योंकि गेहूं का कोई भी कच्चा नहीं है, चावल उसमें नजर आ रहे हैं, तो चावल इतने कहाँ से आए, कौन था और किसका हाथ हो सकता है, ये अभी देखने वाली, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा नेता, बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है। आखिर कौन कालाबाजारी करवा रहा था, कौन कर रहा था, ये सब चीजें अभी जांच का एक घेरा बना है। दानवीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से वीडियो की तरफ ये चलते हैं। ये वीडियो हाल ही में सामने आया था मुरादाबाद से, जहां पर सरकारी जो राशन है जो ग्रामीणों को मिलना था, ग्रामीणों को दिया जाना था, जरूरतमंदों के लिए था, लेकिन उस राशन को एक घर में लाकर कट्टे से निकाला जा रहा था और उसके बाद अभी राशन कहां पहुंचाया जा रहा था, इसके पीछे किसका हाथ है, इस सब पर छानबीन है वो जारी है। पुलिस के संज्ञान में मामला आ चुका है, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और आपको बताते चले, बिलारी से मामला सामने आया था, जहां पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लगातार जो है ये जो संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, उनकी भी तलाश जारी है। और राजनेताओं के बच्चों को छोटी उम्र में ही राजनीति के गुण सिखाने शुरू हो जाते हैं, जब अपने बड़े बुजुर्ग किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाते तो छोटे बच्चों को भी मंच कई बार संभालना पड़ता है। और ऐसी ही एक घटना, ऐसा ही एक नजारा राघोगढ़ में देखने को मिला है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज सोशल मीडिया पर अपने ही पोते सहस्रजय सिंह का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोता मुझसे और जयवर्धन सिंह से भी आगे निकल गया है। 6 साल की उम्र में जिसमें सहस्त्र ने भाषण दिया है, उसी उम्र में हम भाषण देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी लिखा, मेरे पोते को किसी की नजर ना लगे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी का एक कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। इसी बीच राघोगढ़ में कार्यस्थल पर यहाँ पर समाज लोग मौजूद थे। कायस्थ समाज ने प्रतिवर्ष सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें जयवर्धन सिंह को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब जयवर्धन सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए तो उनकी जगह पर उनका पुत्र सहस्त्रजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो सहस्त्रजय सिंह ने माइक पकड़ा और बागडोर अपने हाथ में संभाली और मंच पर एक भाषण दे डाला है। मैं केवलराज समाज पे आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने, मेरा दूसरा वाला। अभी मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 किलोमीटर के लिए जा रहा हूँ और ये पहले मेरा है ना शाम को 5 बजे दूसरा। मैं आया हूँ चित्तन जी महाराज मंदिर के, तो इतने ज्यादा लोग मिले हैं, इतने ज्यादा माला पे नहीं और इतने बच्चे साइड में हैं, सबको टॉफी बांटी है और इतने खाना भी मैंने दिया उनको। थोड़े मेरे से बड़े हैं, थोड़े से छोटे हैं, बड़े बड़े थोड़े छोटे। जी महाराज महाराज की जय, बाबूजी महाराज, बाबूजी महाराज की जय, हरी श्रद्धा की जय, संतों की।
और विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता सिर्फ भाषणों में अपना काम निपटा लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी एक वार्ड के कुछ वासी हैं जो तरस रहे हैं। जहां इनकी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं वार्ड नंबर एक वासियों को बिजली तक नहीं मिल रही। मामला है रायसेन के सिलवानी का, जहां पर कई बार SDM, CMO और तहसीलदार को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही इन लोगों को कोई सुविधा मिल सकी है। आज नगरवासी मजबूर होकर भीषण गर्मी में नगर परिषद के सामने धरना देने बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक कोई अधिकारी या कर्मचारी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तब तक हम धरना लगातार जारी रखेंगे। दूसरी ही तरफ जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई, तो उनके खोखले आश्वासन सुनने को मिले। और मैं माननीय श्री ठाकुर रामपाल जी को से ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि विकास 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 यात्रा भी निकाली है, इन्होंने विकास के नाम पे एक मुद्दा खड़ा कर रखा है इन्होंने। ये आए और एक नंबर वार्ड नंबर एक सिलवानी को अपने वार्ड नंबर 3 में आकर देखें कि इनने विकास कहाँ किया, यहाँ के रहवासियों को दिखाएँ आगे कि हमने विकास कहाँ किया है। इनके माननीय श्री अपने तहसील महोदय जी ने 3 नंबर वार्ड की अपनी ये आवास योजना में जहाँ लोग रहते हैं इंदिरा आवास कॉलोनी, उस जगह को चरोखर में डाल दिया है। ये चरोखर में डालने का इनका क्या एक प्रावधान है कि इनने उस जगह को चरोखर में डाल दिया। समस्या यह है कि वार्ड नंबर आमापानी कॉलोनी को गत वर्ष 10 पहले से जोड़े रखा है नगर परिषद में, जिससे नगर परिषद की कोई भी सुविधाएं हमको उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध नहीं है कि बिजली के खम्भे, बिजली के उधर कोई वो नहीं है, बिजली के खम्भे बिल्कुल खड़े नहीं, क्योंकि बिजली की समस्या और सड़क की समस्या, बिजली की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली के लिए बच्चे पढ़ते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है रात को, और बिजली के खम्भे, बिजली की लाइट जो उधर के रहवासी दूर दूर से लाते, 1.5 किलोमीटर दूर। मेरी समस्या मूलभूत आवश्यकता से संबंधित है। नगरीय क्षेत्र की जितनी भी सुविधाएं हम वंचित हैं, गत 10 वर्ष पहले से बराबर आवेदन दे रहे संबंधित अधिकारियों को, नगर अध्यक्ष, नगर परिषद CEO साहब को भी दिया है, तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी को भी दिया है, रामपाल श्रीमाननीय रामपाल जी महोदय को भी दिया है, वचन भी दिया उनने कि बिजली के खम्भे के चुनावी पंचायती चुनाव के बाद तत्काल खड़े कर दिए जाएंगे। और मेरी बड़ी लड़की प्रियांति कुशवा महिला मंडल, भारतीय महिला मंडल की उपाध्यक्ष भी है। औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर इंडिया मजलिस से इतलाहुद्दीन मुसलमीन यानी AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि भारत में इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है और मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन इतिहास बदला जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे लाल किला मोदी ने बनवाया हो। 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था, वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो उन्हें हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु सॉरी एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है, और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है
1950 से एक इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। कि इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शराकत दारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उससे लेकर अब तक, यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस जमाने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफर्ड के पीएचडी स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो मजलिस के बुजुर्ग 1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाक़े में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई, जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था, कि जब आईन बनाया जा रहा था जिसको कानून साज असम्बली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन दो मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एक और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुबह ही टेंट व्यवसायी सतीश के 4 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 महिलाओं के दम घुटने से मौत हुई है और जानकारी के मुताबिक लोनी सीमा थाने के लालबाग कॉलोनी में स्थित घर में सुबह यह हादसा हुआ। दमकल कर्मियों ने दोनों महिलाओं को घर से बाहर निकाला है, लेकिन अस्पताल पहुंचाने तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। धुएं के कारण उनका दम घुट गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज लगभग 6:52 पर फायर सर्विस कोतवाली को सूचना मिली थी कि लोनी स्थित एक मकान में आग है। तत्काल हमारी ट्रॉनगर सिटी से 2 गाड़ियां और 1 गाड़ी हमारी साहिबाद से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ के देखा तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें टेंट हाउस का काम होता था, उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको तत्काल टीम ने पाइप बिछाकर बुझाना शुरू किया और ऊपर लगभग 8 लोग फंसे हुए थे जिनको सीढ़ी लगा के पीछे दीवार तोड़ते हुए बाहर निकाला गया। जब मकान को पूरी तरह सर्च किया गया तो उसमें पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे एक एक महिला, जो वृद्ध महिलाएँ थीं, उनको घायल अवस्था में पाया गया, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया, जिनकी संभवतः कैजुअल्टी हुई। आज लगभग 6 खबर भटिंडा से है, जहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में हो रही महिलाओं को निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। भटिंडा की नई बस्ती में घर में अकेली महिलाओं को ये निशाना बनाते हैं। और अब आपको बता दें, किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने दरवाजा खटखटाया तो महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले में जांच जारी है। ये थोड़ा अतुल कुमार है जी, ये नई बस्ती 3 नंबर गली दे है, साढ़े मतलब पड़ोसी है, नेबर है, सामने घर है। की नाम की है ना? वीना। हाँ जी, एक्चुअली की गल की गई अज, किन्ने बजे की गल? हाँ जी, किन्ने बजे की गल? जस्ट 10 मिनट पहले ही आया जी, 12:30 होंगे, 12:20 ही ला लो। असं अपने अपने घर मतलब नॉर्मली जिम्मे घर काम करते हैं, उम्मीद काम कर रहे थे। इको दम मम्मा जी की आवाज़ आई उच्ची उच्ची, गली रोला पे आ। मम्मी ने चाची को देखे, इन्होंने आके ना दरवाजा हेल्प मंगी अंदरों, तो खून के पूरे लथपथ पे थे, तो असं एको दम फिर डर गए, सारे गली वाले इकट्ठे हो गए। गल की हुई होया कि इन्होंने इन्हों गला घोट के मारन की कोशिश की गई है। कि ने हूँ ये लिख नाम लिखना चाहते हो बंदे का, पर हजे वो इस सिचुएशन च नहीं है कि नाम लिख सकन। पर असी पूछा तो इन्होंने कहा भी कोई काम करा ना,
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਈ ਐਨ ਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਗੇ, ਅਡੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਈ ਐਨ ਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ? ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 45। ਇੱਕ ਵੀਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਨਾ भोपाल में प्रियंका गांधी के दौरे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी फिर से मध्य प्रदेश में चुनावी छलावा करने आई हैं। 5 साल पहले चुनाव के समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे और किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई है फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 2 महीने 1 महीने पहले